ये तो उन लोगों के बारे में बात थी कि मखलूक को जिनकी हाजत ना पड़ती हो। अब रह गए वो लोग कि मखलूक को उनकी हाजत पड़ती हो, तो उनके लिए क्या है? तो बेहतर उनके लिए यही है कि लोगों के दरमियान रह कर के वो अपनी हिफाजत करें। तो वामर रजुल सानी, रह गई बात उसी तरह के इंसान की, फरजुलन यकूनो कुदवतन फिल इल्म, तो ये ऐसा शख्स है जो कुदवा यानी कि नमूना होता है या फिर रहनुमा या पेशवा हो, मुक्तदा पेशवा रहनुमा, तो ऐसा शख्स है जो इल्म में रहनुमा हो पेशवा हो, इल्मी रहनुमा हो। बेहद तो यह ताजुल नासु इलैह बिअम्र दीनिही बिबयान हकीम, और इस हैसियत का हो, इस मर्तबे का हो कि लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती हो अपने दीन के मामले में, अपने दीनी मामले में किसी हक के बयान के लिए, और रद्दिन अला मुक्तदीन या फिर किसी बिदअती के रद्द के लिए, और दावतिन इला खैरिन बिफ़ेलिन और बिकौलिन, या फिर नेकी की जानिब दावत देने में कॉल के ज़रिए या फेल के ज़रिए, फेल के ज़रिए या कॉल के ज़रिए, कहने से या फिर करने से, और नहवे ज़ालिक, इसके अलावा किसी और तरह की ज़रूरत पड़ती हो, फला यसाउ मिसला हाज़र रजुल अल-इतज़ाल वलिन्नास, तो इस शख्स के लिए गुंजाइश नहीं है कि वो लोगों से किनारा कश हो जाए, बल यंसिबु नफ्सहु, बल्कि अपने आप को कायम करे यानी अपने आप को बरकरार रखे, बैनहुम उनके दरमियान, तो अपने आप को उनके दरमियान ही रखे, लिखल्किल्लाहि तआला नासहन लिखल्किल्लाहि तआला, अल्लाह ताला की मखलूक की खैरख्वाही करते हुए, जाबन जब्बा या जुब्बो, जब अन के साथ इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है किसी चीज से हटाना, बचाव करना, हिफाजत करना, जाबन अंदीनिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत करते हुए, मुबय्यिनन लिअहकामिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला के बयान करता अहकाम या फिर अल्लाह ताला के अहकाम को बयान करते हुए, फलाकत रवैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्हु काल, और बिला शुबा हमारी एक रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल बिदअउ व सकतल आलिमु, कि जब बिदअतों का ज़ुहूर हो और आलिम खामोश रहे, वअलैहि लानतुल्लाह, तो उस पर अल्लाह की लानत है। हाज़ा इज़ा काना बैनहुम, ये तो उस वक्त है जबकि ये लोगों के दरमियान रहे, वइज़ा खरजा मिन बैनिहिम, और जब उन लोगों के दरमियान से निकल आए, फला यजूज़ु लहू ऐज़न अल-इतज़ाल, तो भी उसके लिए किनारा कशी उज़लत नशीनी जायज़ नहीं है कि लोगों से निकल कर कहीं पहाड़ों में चला जाए, पहाड़ों की चोटी में, तो उस वक्त भी उसके लिए जायज़ नहीं है। वलक़द हुकिया, और इस सिलसिले में एक हिकायत है, एक वाक़िया है कि अनिल उस्तादा अबा बकर इब्न रहमहुल्लाह के उस्ताद अबू बकर इब्ने फुरक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क़सदा अय्यन फरदर इबादतुल्लाह ताला अन्नास, इस बात का कस्द किया, इरादा किया कि वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए लोगों से अलग थलग हो जाए, फबैनमा हुआ फी बादिल जिबाल, तो इसी दरमियान जबकि वो एक पहाड़ में थे, इस समय सौतन युनादी, एक निदा सुनी, जो निदा जो आवाज़ कह रही थी, या अबा बकर, ए अबू बकर, इज सिरता मिन हुजजिल्लाहि अला खल्क़िहि, जब तू मखलूक पर अल्लाह की हुज्जतों में से हो गया, जब तू अल्लाह की हुज्जत हो गया अल्लाह की मखलूक पर, तो तरकता इबादतुल्लाह ताला, तो तूने अल्लाह ताला के बंदों को छोड़ दिया, तो उनकी रहनुमाई कौन करेगा? तो फरजा, तो फिर वो लौट आए वहाँ से, वकाना हाजा सबब सोहबती लिल खल्क, और यही वजह थी कि वो मखलूक के साथ थे, वकाना हाजा, और यही चीज़ थी सबब सोहबती लिल खल्क, उनकी मखलूक के साथ सोहबत का सबब। वज़कर अली मामून इब्न अहमद रहमतुल्लाह, और मामून इब्न अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे जिक्र किया कि अनिल उस्तादा अबा इसहाक़ अल-इस्फ़राइनी रहमतुल्लाह, कि उस्ताद अबू इसहाक़ इस्फ़राइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क़ाला लिउबादे जबल लिबनाना, उन्होंने लिबनान के पहाड़ के आबिदों से कहा, ऐसे आबिद लिबनान के पहाड़ों में जाकर गोशा नशीन हो गए थे और वहीं इबादत कर रहे थे, या अकलतल हशीश, अय घास छोड़ो, तुम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को छोड़ दिया, फी ऐदिल मुब्तदिया बिदअतियों के हाथों में, वश्तगल तुम हा होना बेअकलिल हशीश, और यहाँ तुम घास खाने में मसरूफ हो, पालो लहू, तो उन्होंने उनसे अर्ज किया, इन्ना ला नक़वा अला सुहबतिन नास, कि हमें लोगों के साथ रहने की ताकत नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हम भी फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो जाएंगे, वही नमा आता कर लाहु कुवतन, और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आपको कुवत ऐसी अता फरमाई है,
فلزم کا ذالک, تو لوگوں کی صحبت آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کے درمیان رہ کر ان کے فسق و فجور سے محفوظ رہ سکتے ہیں, ہم نہیں رہ پائیں گے, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. فسن نفع بعد ذالک, تو پھر انہوں نے اس واقعے کے بعد کتابہ اپنی کتاب تصنیف فرمائی, الجامع للجلی والخفی, جس کا نام جامع للجلی والخفی ہے. وقال لهم رضی اللہ عنہم, تو اب یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو لبنان کے پہاڑوں میں جا کر عبادت کر رہے تھے, کہ وقال لهم رضی اللہ عنہم ما غزارت علمہم العمل الجم والنظر الدقیق فی سلوک طریق الاخرہ, حالانکہ وہ تمام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ما غزارت علمہم, کہ ان کے لیے ان کے علم کی کثرت کے ساتھ, ما غزارت علمہم, ان کے علم کی کثرت کے ساتھ العمل الجم, عمل کثیر بھی تھا, علم بھی تھا اور عمل کثیر بھی تھا, والنظر الدقیق, اور باریک بینی بھی ان کو حاصل تھی, فی سلوک طریق الاخرہ, راہ آخرت کے طے کرنے میں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی صحبت کی ہمیں طاقت نہیں ہے, تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. وعلم, اور جان لو کہ انا مثلا حاضر رجل المحتاج الیہ الناس فی طرق باب الدین, کہ اس جیسا شخص, مثلا حاضر رجل, اس جیسا شخص کے لوگ جس کے محتاج ہیں دین کے معاملے, باب دین, دین کے باب کے راستوں میں, یا حتاجو, خود یہ بھی کیا ہے, حاجت مند ہے, اس کو بھی ضرورت ہوگی, فی صحبت الخلق, لوگوں کے درمیان رہنے میں, کس چیز کی, الا امرین شدیدین, دو سخت, دو شدید چیزوں کی ضرورت پڑے گی, احدہما, ان دونوں میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ صبر طویل, بہت صبر کرنا پڑے گا, بڑا لمبا, یعنی کہ تھوڑے دن, صبر طویل, ایک دراز مدت تک, بلکہ آخر تک, آخری سانس تک اس کو صبر کرنا پڑے گا, وحلم عظیم, اور بہت زیادہ بردباری سے کام لینا پڑے گا, ونظر لطیف, اور باریک بینی سے کام لینا پڑے گا کہ کہاں پر کتنا لوگوں سے میل جول کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا ہے. واستعانت باللہ تعالی دائمت, اور اللہ تعالی سے ہی ہمیشہ ہمیش مدد کی طلب ہے, اسی سے مدد کی گہار ہے, تو یہ بھی اس کو کرنا ہوگا. وسانی, اور دوسری کیا سخت چیز ہے, ان یکون فی ھذا المعنی منفردا عنہم, کہ اس سلسلے میں کہ جو رہ رہا ہے ان کے ساتھ, ان کے صحبت میں, تو اس سلسلے میں منفردا عنہم, وہ ان سے الگ تھلگ رہے, اپنے سلوک آخرت کے سلسلے میں وہ ان سے الگ تھلگ رہے, وَإِنْ كَانَ بِالشَّخْصِ مَعَهُمْ, اگرچہ اپنے وجود کے ساتھ ان کے درمیان رہے, فَإِنْ كَلَّمُوا, تو اگر وہ اس سے گفتگو کریں, كَلَّمَهُمْ, تو یہ ان سے بات چیت کر لے, وَإِنْ زَارُوهُ, اگر یہ اس کی ملاقات کو آئیں, عَزَّمَهُمْ عَلَىٰ قَدْرِهِمْ وَشَكَرَهُمْ, تو ان کی حیثیت کے مطابق ان کی عزت کرے, ان کا شکر ادا کرے, وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ, اور اگر وہ اس سے خاموش رہیں, یعنی اس سے بات چیت نہ کریں, وَأَعْرَضُوا عَنْهُ, اور اس سے درگزر کریں یا پھر اس سے گریز کریں, اسْتَغْنَوَا ذَلِكَ مِنْهُمْ, تو یہ چیز ان کی جانب سے غنیمت جانیں کہ نہیں کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. وَإِنْ كَانُوا فِي حَقٍّ وَخَيْرٍ, اور اگر وہ کسی حق بات میں اور بھلائی کے کام میں ہو, سَاعَدَهُمْ, تو ان کی مدد کرے, ان کی موافقت کرے, وَإِنْ سَارُوا إِلَىٰ لَغْوٍ وَشَرٍّ, اور اگر وہ کسی فضول اور برائی میں مصروف ہو جائیں, تو خالفاهم وهجرهم, تو ان کی مخالفت کرے اور ان کو چھوڑ دے, اور یہ چھوڑنا ہی نہیں, بل ردّ عليهم وزجرهم, بلکہ اس بات پر ان کا رد کرے اور ان کو ڈانٹے, ان رجا قبولهم, جبکہ اس بات کی امید ہو کہ وہ اس کی ڈانٹ کو قبول کریں گے, اس کی نصیحت کو قبول کریں گے, اور اگر پتہ ہے کہ ہم کہیں گے تو الٹا ہمارے دشمن ہو جائیں گے, تو پھر اتنا ضروری نہیں ہے. ثم يقوم بجميع حقوق من الزيارات والعيادات, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے تمام حقوق بھی ادا کرے, یعنی ان کی زیارت کو جائے, ان کی مزاج پرسی کرے, وقضاء الحاجات التي ترفع الیہ, مام کناؤ, اور وہ حاجتیں, وہ ضرورتیں پوری کریں, التي ترفع الیہ, جو اس کے پاس پیش کی جائیں, لوگ جو اپنی ضرورتیں اس کے پاس لے کر کے آئیں, پیش کی جائیں, مام کناؤ, تو جہاں تک اس سے ممکن ہو ان کی وہ حاجتیں پوری کریں, ولا یطالبوہم بالمکافات, اور ان سے بدلہ نہ طلب کرے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے تو ہمیں اس کا بدلہ چاہیے, اور ان سے مکافات, یعنی کہ بدلہ, ان سے کوئی صلہ طلب نہ کرے, ولا یرجو ذالک منہم, اور طلب کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے
इसकी उम्मीद भी ना रखे कि हमारे साथ जैसा हमने किया वैसा ये भी करेंगे। असल जानते हैं कहाँ पे तकलीफ होती है इंसान को, कि जब इंसान दूसरे इंसान से किसी चीज़ की उम्मीद कर लेता है तो तकलीफ होती है। अगर इंसान किसी के साथ बहुत ज़्यादा भलाई कर दे, बहुत ज़्यादा नेकी करे और उससे उम्मीद ही ना रखे, तो फिर कभी उसको तकलीफ नहीं होगी। जहाँ उसने उम्मीदें वाबस्ता की उससे और उसने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तो फिर दिल टूट जाता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो उससे, उन लोगों से उम्मीद ही ना रखे इस चीज़ की कि वो उसे सिला देंगे या बदला देंगे। आपने किया अल्लाह की रजा के लिए तो अल्लाह से इसके बदले की और सिला की उम्मीद रखें। वला युरीहिम मिन नफ्सिही इस्तिहाशन लिज़ालिक, और उन्हें अपनी जानिब से इस्तिहाश वहशत भी ना दिखाए, यानी अपनी जानिब से उनके सामने वहशत का भी इन चीज़ों पर इजहार ना करे। वायुबासितुहुम बिलबज़ले इज़ा क़दरा, और फैला दे उनके लिए बिलबज़ले दस्ते सखावत यानी खर्च का हाथ, तो उनके लिए इज़ा क़दरा जब इसको कुदरत हो, युबासितुहुम बिलबज़ले कि उन पर वसअत के साथ खर्च भी करे, इज़ा क़दरा जब इस पर कुदरत हो। वयन्क़बिज़ु अन्हुम फिल अख़्ज़ इनुतिया, वयन कबेज़ अनहु और उनसे रुक जाए, अपना हाथ समेट ले, फिल अख़्ज़ लेने के मामले में, इन ओटिया अगर इसे दिया जाए तो भी क्या करे, हाथ समेट ले, नहीं होनी चाहिए। वयतहम्मलु मिन्हुमुल अज़ा, और उनकी जानिब से तकलीफ को बर्दाश्त करे। वयुज़हिरु लहुमुल बिश्रा, और उनके लिए बिश्र यानी कि खुशी फंदा पेशानी का इजहार करे। वयतजम्मलु बिज़ाहिरिही लहुम, और उनके लिए अपने ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत के साथ आरास्ता हो। वायक्तुमो हाजात ही अनहुम, और अपनी ज़रूरतें उनसे पोशीदा रखे। फ़युकासीहा बिनफ्सिही, तो उनका उनको बर्दाश्त करे, जो भी ज़रूरतें हैं उनको बर्दाश्त करे, बिनफ्सिही अपने ही दिल में। वायुआलिजुहा फी सिर्री व बातिनी, और अपनी पोशीदा हालत में और अपनी बातिन हालत में उनका इलाज करे कि नहीं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सुमा यहताजु मा ज़ालिक इला अन यंज़ुरा लिनफ्सिही खासतन, फिर इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसे ज़रूरत होगी इस बात की, अन यंज़ुरा लिनफ्सिही खासतन के ख़ास तौर पर अपने आप का भी मुहासबा करे। फ़यजअल लहा हज़्ज़ा मिनल इबादतिल ख़ालिसा, तो अपने नफ्स के लिए खालिस इबादत से एक हिस्सा ठहराए। जैसा कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है, इन निमतु लैला, कि अगर मैं रात में सो जाऊँ, लउबय्यि अन्ना नफ्सी, तो मैं खुद को ज़ाय कर दूँगा। वही नहीं तो नहार, अगर मैं दिन में सो जाऊं, ला उदय ये अन्न रईयता, तो मैं मखलूक को रियाया को ज़ाय कर दूंगा। फ़तेह फली बिन नौम बे नहातैन, तो इन दो चीज़ों के होते हुए मुझे नींद कैसे आ सकती है। वफ़ी हाजल माना, और इसी तरह के मारने में, इसी तरह के मकसद में, उरेज़ अली अबियातु मिन शेर, मुझे कुछ अशार मेरे जहन में आ रहे हैं, उरेज़ अली मेरे जहन में आ रहे हैं कुछ अशार, वहिया और वो ये हैं। फ़ैन कुंता फ़ी हदयिल अइम्मते राग़िबन फ़वत्तिन अला अन तरतकिब का अल-वक़ाय, अगर तू अइम्मा के रास्ते में है, हदय माने रास्ता, अगर तू अइम्मा के रास्ते में है राग़िबन ज़ौक़ो शौक़ के साथ, फ़वत्तिन अला, तो इस बात पर अपने दिल को आमादा कर ले, अपने आप को आमादा कर ले, अन तरतकिब का अल-वक़ाय के हवादिसे ज़माना तुझ पर आ पड़ेंगे, तेरा इर्तिकाब करेंगे, तेरा कस्द करेंगे, यानी कि हवादिस ज़माना तुझ पर टूट पड़ेंगे। बिनफ्सिन, और इस पर आमादा कर ले खुद को, बिनफ्सिन वकूरिन, वकार से वकूर, संजीदा नफ्स के साथ, इंदा कुल्ले करीहतिन, हर नापसंद चीज़ के वक्त, जो भी चीज़ तुम्हें नापसंद आए तो तुम्हें हमेशा संजीदगी और वकार ही इख्तियार करना है। वक़ल्बिन सबूरिन, और सब्र करने वाले दिल के साथ, बहुआ फिस सदर माने, इस हाल में कि सब्र भी कर रहा हो, बहुआ फिस सदर माने, और वो सदर यानी कि सीने में माने, अय माने उस शर जो शरारतें हैं नफ्स की, उनको दफा भी कर रहा हो। लिसान का मखजूनुन, खजाना होता है, छुपा हुआ होता है, तो लिसान का मखजूनुन, तेरी ज़ुबान छुपी होनी चाहिए, लोगों के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए, यानी कि बंद रहनी चाहिए। व तरफ़ का मुलजमुन, और जो तेरी निगाह है, मुलजम उस पर लगाम लगी हो, तेरी निगाह कंट्रोल में रहनी चाहिए, लगाम में होनी चाहिए। बसर का मखदूमन लदर रब्बे ज़ाए, और तेरा राज ये छुपा होना चाहिए, लदर रब्बे ज़ाए,
हालांकि वो रब के सामने तो जाहिर ही है, लोगों के सामने छुपा हुआ होना चाहिए। वज़िक्रु का मगमूरुन, और तेरा जिक्र तेरा नाम पोशीदा रहना चाहिए। बबाबों का मुगलक, और तेरा दरवाज़ा बंद हो। वह सब्र का बस्साम, सब्र ये होते ना दांतों की कतारें, इनको सब्र कहते हैं। वह सब्र का बस्साम, तेरे दांत यानी कि तेरे होंठ मुस्कुरा रहे हो, तेरे होठों पर मुस्कुराहट हो। वह बतनों का जाए, इस हाल में कि तेरा पेट क्या हो भूखा हो, उस पर भी क्या होना चाहिए, तेरे होठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। वकल्ब का मजरूहुन, वसूक का कासिदुन, तेरा दिल जख्मी हो। वसूक का कासिदुन, और तेरा बाजार ठप हो, कारोबार ना भी चल रहा हो। वफजल का मदफूनुन, तेरा जो फजल है, तेरी जो सखावत है, तेरी जो खूबी है, मदफूनुन वो दफन हो, किसी को पता ना होनी चाहिए। वतानु का शायुन, और तेरे ऊपर जो तानु तशनी है वो फैला हुआ हो। तो जब ऐसी सूरत होगी तो सब्र तो करना ही पड़ेगा। वफी कुल्ले योमिन अंता जारियो वसतिन, और हर दिन तुझे एक गुस्से का घूंट पीना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तुझे ऐसा लुकमा निगलना पड़ेगा जो तेरे गले में फंसने वाला होगा। किसकी जानिब से? मिनद्दा हरे बल इख्वान, जमाने की जानिब से और अपने ही लोगों की तरफ से। बल कल्ब तायुन, लेकिन हाल क्या होना चाहिए कि दिल खुश रहना चाहिए, इस पर भी ताबे होना चाहिए फरमाने इलाही के। नहारों का शुगलुन्ना से मिन गैरे मिन्नतिन, तेरा दिन लोगों की मशगूलियत में रहेगा, यानी तेरे दिन को लोग मशगूल रखेंगे। मिन गैरे मिन्नतिन, बगैर किसी एहसान के, तुम्हारा पूरा दिन खा जाएंगे और तुमने उन पर कोई एहसान भी नहीं किया है, कौन सा कुछ दे दिया। वलई लुका शौकुन, और तेरी रात शौक यानी कि लताए इलाही के शौक में गुजरनी चाहिए। गाबा अनहु तलाए, तलियतुन की जमा तलाए यानी मुतला होने वाला, कोई भी मुतला होने वाला नफ्स उससे क्या हो, गायब रहे। यानी तेरी रात लताए इलाही के शौक में होनी चाहिए कि गाबा अनहु तलाए के लोग उससे क्या हो, गाफिल रहें, अनजान रहें। फदू नका, ऐ अपने आप को इख्तियार कर। फदू नका हाजल लैल, कि अपने नफ्स के लिए हाजल लैल इस रात को इख्तियार कर। खुजहु ज़रियतन, इसको ज़रिया बना ले, इसको सबब बना ले। लियौमिन अबूसिन, सख्त दिन के लिए। अज़्ज़ा फीही ज़राए, ऐसे सख्त दिन के लिए कि जिसमें ज़राए, जिसमें वास्ते और वसीले बहुत ही कम हैं। अज़्ज़ा यज़ु शाज़ होना, कम होना, जिसमें वास्ते और ज़राए बहुत कम हैं। तो इस रात को तू उस दिन के लिए अपने लिए इख्तियार कर ले। नाम यकून बिन नफ्स माहुम वलकल्ब मा अब अदाहू अनहुम, हाँ यकून बिन नफ्स माहुम, जिस्म के साथ उनके दरमियान रहे। वलकल्ब मा अब अदाहू अनहुम, और दिल उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर होना चाहिए। वज़ालिक लामरी अमरुन शदीदुन, और ये मेरी ज़ात की कसम बहुत ही सख्त मामला है। वाइशुन नकीदुन, बे रौनक ज़िंदगी है। वफ़ी यकूल शेखुना रहमतुल्लाह फ़ी वसीयती, और इसी सिलसिले में हमारे शेख साहब ने अपनी वसीयत में यह बात कही है। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, इश्मा अहले ज़मानी का वला तक़्तदीम, के अपने ज़माने वालों के साथ ज़िंदगी तो बसर करना, ला तक़्तदीम, लेकिन उनकी पैरवी मत करना। तुम्मा क़ाला, फिर आपने फरमाया कि माँ अशद्दा हाजल ऐशा मान अहयाए, कि ये ज़िंदगी कितनी सख्त है जिंदों के साथ। वल खुदा बिलम्बात, और मुर्दों की पैरवी करना, कि रह रहे हैं हम जिंदा लोगों के साथ लेकिन वो हमको बुराइयों पर उभार रहे हैं, तो उनके साथ ज़िंदगी गुजारना, और मुर्दों की जो लोग गुजर चुके हैं, जो हमारे बुजुर्गाने दीन गुजर चुके हैं, उनकी इख्तदा करना, कि दुनिया की ख्वाहिश ना करना, ये बहुत क्या है, दुश्वार है ये ज़िंदगी। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, खालिदिन नासा व ज़ाइलहुम, के लोगों से मेलजोल करो, व ज़ाइलहुम उनके साथ रहो, व दीनों का ला तकलिमन्नहुम, और अपने दीन को, कलमा यकलिमो नुकसान पहुँचाना, और अपने दीन को हरगिज़ हरगिज़ नुकसान ना पहुँचाओ। फहाज़ी नुक्तुन मुकनियतुन, तो ये नुक्ता काफ़ी है। सुमाकुल, फिर मैं ये कहता हूँ कि इज़ा माजल फितनु बादुहा फी बाज़, कि जब फितनों का तलातुम मौजज़न हो, जब फितने मौजज़न हो उनमें से बाज में, यानी कि जब फितनों का तूफ़ान उठ खड़ा हो, फितनों का तलातुम मौजज़न हो, व तराजाल अम्रो, और मामला गर्दिश में आ जाए। गवल नासा नमर दीन मुदबरीना, और लोग दीनी मामला से पीठ फेर कर भाग जाएँ। लायर कबूना फ़ी मोमिन इल्लम वला जुल्मा, रकबा यर कबू, नज़र करना, ख्याल रखना। लायर कबूना फ़ी मोमिन, और किसी की भी ईमान वाले के सिलसिले में लोग इल्लम
ना तो रिश्ते का लिहाज रखें वला जिम्मतन और ना अहदो पैमान का लिहाज रखें वला यतलबूना आलिमन और ना किसी आलिम को तलाश करें किसी मसले के लिए वला यरमुकूना मुफीदन और ना ही किसी मुफीद बात को समझें। रमक यरमुको मतलब वो होता है किसी बात को समझना गौर करना और तो किसी मुफीद बात को समझें ना वला यानीहिम अमरा दीनहिम अलबत्ता या अमरो दीनहिम और उनका जो दीनी मामला है वो उनके लिए कोई तवज्जो ना रखता हो उनके लिए कोई अहमियत ना रखता हो। व तरल फितनता तउम्मुल आमा और तुम देखो कि फितनों ने आम लोगों को फितने ने आम लोगों को चपेट में ले लिया है। तउम्मुल आमा आम लोगों को आम हो गया है यानी आवाम को चपेट में ले लिया है। व तदुब्बो बैनल खासा दब्बा यदुब मतलब रेंगना व तदुब्बो बैनल खासा और जो खवास हैं उनके दरमियान भी वो पाँव पसार रहा हो। फलिल आलिमी अलउज़्रु फिल उज़्रति व तफर्रुदि व दफ़्नि इल्म तो ऐसी सूरत में आलिम का ये उज़्र है कि वो गोशा नशीं हो जाए लोगों से अलग थलग हो जाए और अपने इल्म को दफन कर दे। वाखा वो अन्ना माज़ा करना हूँ हुआ हाज़ा ज़मान अन्नकीदो असाबो और मुझे ये खौफ है कि जो कुछ भी मैंने जिक्र किया है ना वो यही ज़माना है। अन्नकीद जो मनहूस और असाब जो सख्त है। वल्लाहु मुस्तआन अल्लाह ही से मदद मतलूब है वाले शुक्लान और उसी पर भरोसा है। तो ये गोशा नशीनी और उजलत नशीनी का लोगों से हुक्म है इसे समझ लो क्योंकि गलती इसमें बहुत ज़्यादा होती है और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। वबिल्लाह तौफीक और अल्लाह ही से तौफीक मतलूब है। पैन किला तो अगर कहा जाए अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुमिल जमात कि तुम पर जमात की पाबंदी ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का दस्ते कुदरत जमात पर है और वैन शैताना ज़िबुल इंसान और शैतान इंसान के लिए भेड़िया है या खुदु शाज़ा व नाहिया वल क़ासिया कि वो उसी को पकड़ता है अशाज़ा जो अलग थलग हो व नाहिया जो किनारे हो वल क़ासिया जो दूर हो। वक़ाल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन शैताना माल फज़े कि शैतान फज़ के साथ है। अब फज़ क्या है वह हुआ मिनल इस्नैन अबअदो वो ऐसा तीसरा शख्स है जो दो लोगों से दूर हो। फ़ालम तो जान लो कि अन्ना हाज़िही बरदत कि ये हदीस तो आई है वह बरदा ऐज़न और साथ ही ये हदीस भी आई है इल्ज़म बैतका कि अपने घर में ही रहो व अलैका बिलख़ासा और तुम पर ख़ास लोगों की फरमा बरदारी ज़रूरी है व दा अमरल आम्मा और जो आम लोग हैं अवाम के जो हुक्म है उसको छोड़ दो। वह हमारा भी कुदरत है तो हुज़ूर ने गोशा नशीनी का भी हुक्म दिया व तफर्रुद फी ज़माने सु बुरे ज़माने में उजलत नशीनी का भी हुक्म दिया वला तनाकुज़ा फ़ी क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान में कोई तनाकुज़ और टकराव नहीं है। वला बुद्दा मिनल जमअ बैनल हदीसैन और इन दोनों हदीसों के दरमियान जमो तदबीर ज़रूरी है। बेहौलिल्लाह व तौफीक़िही अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और उसकी तौफीक से तो अब वो उसकी जमो तदबीर कैसे होगी तो इंशाअल्लाह परसों।